हाय गाइस, मैं हूं सलमान सर और आप देख रहे हैं इसके इंग्लिश पाठशाला। गाइस, मैं आज आपको पढ़ाने वाला हूं क्वेश्चन आंसर लेसन 3 के द अनग्रेटफुल जेवलर क्लास 8 एमपी बोर्ड जनरल इंग्लिश। शुरू करते हैं दोस्तों इस लेसन के क्वेश्चन आंसर। कॉम्प्रिहेंशन बोध प्रश्न, कॉम्प्रिहेंशन का मतलब होता है दोस्तों बोध प्रश्न, यानी कॉम्प्रिहेंशन यानी होता है समझना। जो आपने लेसन पढ़ा है और लेसन पढ़ने के बाद आपने क्या समझा है उसकी समझ के आधार पर आपको क्वेश्चन आंसर बताने हैं। तो आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, इन निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। क्वेश्चंस मतलब होता है प्रश्न, फॉलोइंग यानी निम्नलिखित, आंसर यानी उत्तर देना। इन निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। बढ़ते हैं दोस्तों फर्स्ट क्वेश्चन की ओर, और क्वेश्चन में आगे बढ़ने से पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट, यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन भी प्रेस कर लें ताकि आने वाली हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए, जिसमें क्लास फर्स्ट से 12 तक आपको वर्ड टू वर्ड हिंदी एक्सप्लेनेशन प्रत्येक लेसन का और उसके क्वेश्चन आंसर और क्वेश्चन आंसर के साथ ही एक्सरसाइज भी करी जाएगी, जैसे फिल इन द ब्लैंक, मैच द कॉलम। तो सिक्स क्लास फर्स्ट टू 12 तक के लिए आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट कुड द वुड कटर नॉट अर्न मनी, व्हेन कुड द वुड कटर नॉट अर्न मनी, वह लकड़हारा पैसे कब नहीं कमा सकता था। व्हेन यानी कब, कुड यानी सकता था, वुड कटर यानी लकड़हारा, नॉट यानी नहीं, अर्न यानी कमाना, एनी मनी यानी कोई भी पैसे, वह लकड़हारा कब पैसे नहीं कमा सकता था। तो वो जो है बरसात के दिनों में नहीं कमा सकता था। तो द वुड कटर कुड नॉट अर्न एनी अर्न मनी, वह वुड कटर कोई भी पैसे नहीं कमा सकता था कब, ड्यूरिंग द रेनी सीजन, बरसात की ऋतु के समय, ड्यूरिंग यानी दौरान, रेनी सीजन यानी बरसात के मौसम में, सीजन यानी मौसम या ऋतु, रेनी यानी बरसात। तो ड्यूरिंग द रेनी सीजन, बरसात के समय में वो पैसे नहीं कमा सकता था। आपका आंसर इतना ही बड़ा होगा दोस्तों, बाकी का जितना भी लिया हुआ है, द वुड कटर कुड नॉट अर्न एनी मनी, ये पूरा आपका क्वेश्चन है। आपका यहां से दिया हुआ है पूरा द वुड कटर नॉट अर्न एनी मनी, साथ में कुड भी लगा दिया गया है। तो पूरा का पूरा ये क्वेश्चन से आपको आंसर में केवल इतना याद रखना है, ड्यूरिंग द रेनी सीजन, बरसात के दिनों के समय में। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, हु वर ट्रैप्ड इन द वेल, उस कुएं में कौन कौन फंस गए थे। हु यानी कौन कौन, वर यानी थे, ट्रैप्ड यानी फंस जाना, इन द वेल कुएं में, वेल मतलब होता कुआ, इन यानी में, कुएं में कौन कौन फंस गए थे। तो कुएं में कौन कौन फंस गए थे, तो एक बंदर फंस गया था, एक टाइगर फंस गया था और एक सांप फंस गया था, और इसके साथ साथ एक जोहरी भी फंस गया था। तो मंकी यानी बंदर, अ मंकी, अ टाइगर यानी टाइगर शेर, और अ स्नेक यानी एक सांप, एंड अ जेवलर एक जोहरी, ट्रैप्ड इन द वेल। तो कौन कौन फंस गए थे, मंकी, टाइगर, स्नेक और जोहरी उस कुएं में फंस गए थे। केवल आपको ये तीन नाम बताना है, मंकी का, टाइगर का, स्नेक का, और एक चौथा नाम बताना है जेवलर का। केवल ये चार नेम बताना है आपको, बाकी पूरा के पूरा फिर आपको क्वेश्चन से ये हु के स्थान पर आपको ये चार नाम लिखना है, मंकी, टाइगर, स्नेक एंड द जेवलर, ट्रैप्ड इन द वेल। आपको हु के स्थान पे तीन नाम लिखना, बाकी वर ट्रैप्ड इन द वेल आगे लिख देंगे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 3, हाउ डिड द टाइगर, द मंकी एंड द स्नेक हेल्प द वुड कटर। हाउ यानी किस प्रकार से, उस टाइगर ने यानी शेर ने और मंकी ने एंड स्नेक ने और उस सांप ने उस लकड़हारे की किस तरह मदद की। हेल्प यानी मदद करना, वुड कटर यानी लकड़हारा, तो किस प्रकार से मदद की थी उन्होंने, देखते हैं। मंकी गेव हिम सम स्वीट फूड, स्वीट फूड यानी कुछ फल दिए, मंकी ने जो है उसे कुछ फल दिए, ही मैंने उसे उसे किसे,
यह शब्द हिम जो है वुडकटर के लिए उपयोग हुआ है। हिम यानि उसे, सम यानि कुछ, कुछ उसे फल दिए, फ्रूट्स यानि फल। यहाँ पर गिव की सेकंड फॉर्म है, गिव यानि देना, वर्ब की फिफ्थ फॉर्म होती है तो उसमें से सेकंड फॉर्म है। तो उसको मंकी ने फ्रूट्स दिए, टाइगर ने क्या दिया, द टाइगर प्रेजेंटेड हिम अ सेट ऑफ गोल्ड, उसने जो है हीरो का एक सेट दिया उसको, ऑर्नामेंट्स मतलब गहने, गोल्ड यानी सोने, सोने के गहने दिए उसे, गोल्ड ऑर्नामेंट यानी सोने के गहने, गोल्ड मतलब होता है सोना, ऑर्नामेंट्स मीन्स गहने, प्रेजेंट यानी प्रस्तुत किए, जो है टाइगर ने उसे सोने के गहने प्रस्तुत किए, द हेल्प हिम फ्री फ्रॉम द जेल, और उसे जो है किससे आज़ाद कराया, उसे जो है जेल से भी आज़ाद कराया, फ्रीइंग यानी आज़ाद कराना या छुड़ाना, फ्रॉम द जेल यानी जेल से। तो टाइगर ने और मंकी ने उसकी किस प्रकार से मदद की, और उस स्नेक ने जो है उन्होंने जो है उसे जेल से भी निकाला, किसने, मंकी जो है स्नेक ने उसको जेल से निकाला था, है ना। और फ्रूट दिए थे, किसने दिए थे, मंकी ने, टाइगर ने जो इसको सोना दिया था, सोने के गहने दिए थे। इस तरह से जो है उस वुड कटर की मदद की गई। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 है, हु अमंग द फोर ट्रैप्ड इन द वेल प्रूव्ड अनग्रेटफुल टू द वुड कटर, हाउ, उन चारों में से किसने कृतज्ञ, उन चारों में से कौन कृतज्ञ साबित हुआ उस वुड कटर के प्रति। कृतज्ञ मतलब होता है एहसान फरामोश, किसने एहसान फरामोशी की थी, उन चारों में से जो कुएं में फंस गए थे, और किस प्रकार से की थी, चारों में से किसने। हु अमंग देम, हु अमंग, अमंग यानी बीच, हु यानी कौन, फोर यानी चार, ट्रेप्ड यानी जो फंसे हुए थे कुएं में, प्रूव्ड यानी साबित किया, अनग्रेटफुल अनकृतज्ञ यानी एहसान फरामोश, टू वुड कटर, उस वुड कटर के प्रति, टू का अर्थ हो रहा है पर के प्रति, किसके, उस वुड कटर के प्रति, हाउ और किस प्रकार से। तो कौन साबित हुआ था, वो जेवलर हुआ था, द जेवलर प्रूव्ड अनग्रेटफुल टू द वुड कटर, जो है वुड कटर के प्रति जोहरी जो है एहसान फरामोश साबित हुआ था, कृतज्ञ है ना। तो आपको जो है केवल जेवलर ही लिखना है ना, बाकी तो आपको क्वेश्चन से पूरा मिल जाएगा। आपको क्या करना है, यहाँ पर वेल को हटाकर केवल द जेवलर करना है, तो द जेवलर प्रूव्ड अनग्रेटफुल टू द वुड कटर, और आपको हटा देना है, तो आपका पूरा आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 है, हाउ डिड द स्नेक टू डू हेल्प वुड कटर, व्हाट डिड द स्नेक डू, स्नेक उस सांप ने क्या किया, है ना, व्हाट यानी क्या, डू यानी करना, डिड हेल्पिंग वर्ब में, उस सांप ने क्या किया टू हेल्प द वुड कटर, उस वुड कटर की लकड़हारे की मदद करने में। तो उसने क्या किया था, द स्नेक बीट द क्वीन, उस स्नेक जो है, स्नेक ने रानी को डस लिया था, काट लिया था, बीट यानी होता है काटना या डस लेना, क्वीन यानी रानी को, द स्नेक बीट द क्वीन, उस सांप ने रानी को डस लिया, द वुड कटर सेव द क्वीन टचिंग हर फोरहेड विथ हिज एक्स, और जो है वुड कटर ने कुल्हाड़ी से उसके माथे को छूकर उसकी जान बचाई थी, है ना। तो द वुड कटर सेव्ड क्वीन, क्वीन क्वीन को बचा लिया था, सेव यानी बचाना, क्वीन यानी रानी को, वुड कटर ने, वुड कटर ने रानी को बचा लिया था, किस तरह, टचिंग छूकर हर फोरहेड, उसका सिर उसके टच करके, फोरहेड यानी किससे टच किया था, उसके फोरहेड को एग्स से यानी कुल्हाड़ी से, विथ हिज यानी उसकी, विथ हिज एग्स उसकी कुल्हाड़ी से, जो है उसकी कुल्हाड़ी से सिर को टच करके उसने जो है क्वीन को बचा लिया था, और ऐसा किसके कहने पर किया था, उसने सांप के कहने पर किया था। तो इस तरह से जो है उस सांप ने उसकी मदद की थी।
बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। व्हाट हैपेंड टू द जेवलर इन द एंड, अंत में जेवलर का क्या हुआ, व्हाट हैपेंड क्या होना, टू द जेवलर यानी उस जेवलर का, इन द एंड यानी अंत में क्या हुआ था उस जेवलर का, तो जेवलर जो है अपने कार्य पर बहुत शर्मिंदा हुआ था। असेम्ड ऑफ का मतलब होता है शर्मिंदा होना, दोनों ही शब्द का एक ही मतलब निकलेगा, शर्मिंदा होना। द जेवलर वॉज वेरी असेम्ड, वो जेवलर बहुत ही ज्यादा शर्मिंदा हुआ ऑफ हिज एक्ट, उसके कार्य पर, एक्ट मतलब होता है कार्य, हिज यानी उसके, उसके कार्य पर वो बहुत ही शर्मिंदा हुआ। दोस्तों आपको यदि वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को लाइक कमेंट सब्सक्राइब करना ना भूलें, धन्यवाद।